दोस्तों, यदि आप अपने लिए एक बेस्ट बजट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको चार सबसे बेहतरीन और मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप्स बताने वाला हूं, जिन्हें आप इस वीडियो के अंत में आसानी से डिसाइड करके खरीद सकते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले, टाइप ऑफ प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर स्पीड, ग्राफिक्स, वेट, बैटरी लाइफ, प्राइस, वारंटी एंड कस्टमर फीडबैक्स, इन 11 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर और डिटेल रिसर्च करने के बाद ही हमने इन टॉप 4 बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर की है, जिनका आज हम इस वीडियो में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन इनका रिव्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी कीमत दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए मैं आपको इनकी सिर्फ अप्रोक्सीमेट प्राइस ही बताऊंगा। यदि आप इनकी करंट प्राइस चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जितने भी लैपटॉप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देर नहीं करते हुए इन टॉप 4 बेस्ट लैपटॉप्स का डिटेल रिव्यू करते हैं। नंबर 1 पर 9.8 आउट ऑफ 10 स्कोर और एक्सलेंट रिमार्क के साथ हमारी लिस्ट में आता है Asus का VivoBook 14 M409DA EK1460 14 इंच फुल HD कॉम्पैक्ट एंड लाइट लैपटॉप। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में ये लैपटॉप सबसे ज़्यादा बिकने वाला और लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला लैपटॉप है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइस है। ये लैपटॉप आपको सिर्फ 36,000 रुपये के आसपास मिलता है और इस प्राइस रेंज में इस लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसमें आपको AMD क्वाड कोर Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है। दूसरी बात, इसमें आपको 8GB DDR4 रैम मिलती है, जिसे आप अप टू 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये लैपटॉप आता है 14 इंच फुल HD डिस्प्ले, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और 256GB SSD के साथ। रही बात ग्राफिक्स की, तो इसमें आपको AMD इंटीग्रेटेड रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इस लैपटॉप में आपको 2.1 GHz की प्रोसेसर स्पीड और 6 घंटे की एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। इस लैपटॉप का वेट है 1.6 kg, यानी कि ये लैपटॉप थोड़ा हैवी है। दोस्तों, यदि आपका प्राइस बजट 35,000 रुपये के अराउंड है और यदि आप अपने लिए एक बेस्ट बजट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है। आप इसके साथ आंखें बंद करके जा सकते हैं। वैसे तो ये लैपटॉप ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है और यदि आप ये लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इसे क्विकली चेकआउट जरूर करें। नंबर 2 पर 9.7 आउट ऑफ 10 स्कोर और वेरी बेस्ट मार्क के साथ आता है एविता का लिबर NS14 ASINF561PAF 14 इंच लैपटॉप। दोस्तों, इस लैपटॉप में आपको गजब के स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं और वो भी लो प्राइस बजट में। इसमें आपको i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और 14 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और तो और, यही नहीं बल्कि इस लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इस लैपटॉप में आपको एल्यूमिनियम मेटल बॉडी और वेरी लार्ज ट्रैकपैड मिलता है। इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.25 kg है और ये आपको सिर्फ 39,000 रुपये के आसपास मिलता है। दोस्तों, इस प्राइस बजट में शायद आपको इतने अच्छे फीचर्स किसी और लैपटॉप में देखने को मिले। यही वजह है कि मैं खुद इस लैपटॉप को पर्सनली यूज़ करता हूँ। लेकिन इस लैपटॉप का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका आफ्टर सेल सर्विस पुअर है, अदरवाइज इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस लैपटॉप के साथ डेफिनेटली बिना किसी डाउट के साथ जा सकते हैं और इसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत भी शायद ना पड़े। नंबर 3 पर 9.6 आउट ऑफ 10 स्कोर और बेस्ट रिमार्क के साथ आता है Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 3500U 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले थिन एंड लाइट लैपटॉप। ये लैपटॉप आपको 40,000 रुपये के अराउंड मिलता है और इसमें आपको 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले, AMD Ryzen 5 3500U प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD और AMD Radeon RX Vega M ग्राफिक्स देखने को मिलता है। ये लैपटॉप आता है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2.1 GHz प्रोसेसर स्पीड, 9 आवर बैटरी लाइफ और 1.9 kg वेट के साथ। Asus VivoBook 14 और इस लैपटॉप में आपको सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं, बस Asus VivoBook 14 में आपको 256GB SSD मिलती है, वहीं इसमें आपको 512GB SSD मिलती है, इसलिए इस लैपटॉप की प्राइस Asus VivoBook 14 के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। यदि आप
256GB SSD वाला लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो Asus VivoBook 14 आपके लिए परफेक्ट है। अदरवाइज आप इस 512GB SSD Acer Aspire 3 लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 4 पर 9.5 आउट ऑफ 10 स्कोर और वेरी गुड रिमार्क के साथ हमने रखा है मी नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन लैपटॉप को। इसमें आपको i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। ये आता है 8GB DDR4 रैम, 256GB SSD, इंटेल USD ग्राफिक्स और 14 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ। इस लैपटॉप में आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, 10 आवर एवरेज बैटरी लाइफ, 2.1 GHz प्रोसेसर स्पीड और 1.5 kg वेट देखने को मिलता है। इस लैपटॉप का प्लस पॉइंट ये है कि इसकी वेबकैम क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको 720 पिक्सल्स का वेबकैम मिलता है। और दूसरी बात, इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है, ये आपको सिर्फ 37,000 रुपये के अराउंड मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को अभी खरीदना चाहते हैं या फिर आप इनकी सिर्फ प्राइस चेक करना चाहते हैं, तो मैंने इन चारों भी लैपटॉप्स की बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सिर्फ लिंक पर जाकर इनमें से किसी भी लैपटॉप को खरीद सकते हैं या फिर आप इनकी प्राइस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के आगे भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।